अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो आपका टाइम भी बचाएगी और पैसा भी। तो आज हम बनाएंगे टोमेटो प्यूरी और इसको स्टोर कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल लाइफ ही लिव बाय सलमान। यहाँ पे मैंने ले लिए 1 किलो टमाटर, बहुत फ्रेश रेड और जूसी टमाटर हैं। सबसे पहले हम इनका ग्रीन पार्ट काट लेंगे और हमने इसको 4 टुकड़ों में कर लेना है बस। ये देखिए ऐसे, ठीक है। बाकी भी कर लेते हैं। आपने आजकल एक वीडियो वायरल हुई है एक ठेले वाले की, जो अपने टमाटर के थैले उठा उठा के पानी में डाल रहे। ये हर साल की स्टोरी है, जब टमाटर महंगे होते हैं तो हम उनको खरीद के हम उनको देख भी नहीं सकते, और जब सस्ते हो जाते हैं तो बस फिर वो लोग ऐसे ज़ाया करते हैं। आजकल बेस्ट टाइम है कि आप टमाटर इतने सस्ते हैं लें, उनको स्टोर करें, प्यूरी बना के फ्रीज कर दें, और जब आपको ज़रूरत पड़े आप मज़े से निकालें और उनको यूज़ करें। आगे ईद भी आ रही है तो फिर टमाटर दोबारा से महंगे हो जाने हैं, इसलिए बेस्ट टाइम है कि बस आप ये काम अभी ही कर लें। चले अभी हम कुकिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉट ले लिया है, इसके नीचे हम जला लेते हैं चूल्हा बिल्कुल मीडियम फायर पे। चले अभी हम इसके अंदर डालते हैं टमाटर। साथ इसके हम डालेंगे 1 गिलास पानी, और इसको हम कवर करेंगे 5 मिनट के लिए ताकि हमारे टमाटर की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम टमाटरों को चेक कर लेते हैं। बड़े अच्छे से हमारे टमाटर गल गए हैं, स्किन भी सॉफ्ट हो गई है और अंदर वाला पार्ट भी सॉफ्ट हो गया। तो अभी यहाँ पे मैं चूल्हे को कर देती हूँ बंद और इसको हम करेंगे ब्लेंड, मैश करेंगे। अच्छा, मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट ये गर्म ही है, इसी में इसको पीस लूँगी। अगर आप जग में इसको डालना है ब्लेंड करने के लिए तो पहले आप इसको ठंडा कर लें और फिर जग में डाल के ब्लेंड कर लें। बिल्कुल फाइन लिक्विड बन गया। अभी हम इसको स्टेन कर लेते हैं। अभी एक स्पून लेके हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि सारा जो लिक्विड है अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन लिक्विड नीचे रह जाएगा और जो बीज और छिलका है स्किन वगैरह वो स्टेनर में रह जाएगी। तो आप इसको हिलाते हैं। चले जी, यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, अभी इसके अंदर हम अपना टोमेटो लिक्विड डाल देते हैं। अच्छा, अब हमने इसको दरमियानी आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है, और बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा चम्मच भी हिलाते रहेंगे। अठारह मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इसको पकते हुए, कंसिस्टेंसी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। बस 5 मिनट में इसको मज़ीद पकाऊंगी।
5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। आप इसकी जगह सिट्रिक एसिड, जिसको टार्ट्रिक कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं, मगर मैं आपको ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो इजीली हर वक्त आपके पास घर में अवेलेबल होती है। 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल दिया लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस डालने के बाद तकरीबन हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। ऑयल आ जाए उसके बाद 8 मिनट। लेमन जूस डालने का फायदा यह है कि आप इसको आराम से एयरटाइट जार में या ग्लास की बॉटल में डाल के आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लें। 1 महीने के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं, और जब जरूरत हो आप थोड़ा थोड़ा निकाल के इसको यूज करते रहें। 8 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं लेमन जूस डालने के बाद। आप देखें, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, और ठंडा होने के बाद इसने मजीद थिक हो जाना है, इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे कि ये ठंडी हो जाए। टोमेटो प्यूरी हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको मैंने निकाल लिया है एक जग में ताकि मैं इसको आराम से डाल सकूं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक एयरटाइट जार, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से खुश कर लिया। आप इसकी जगह ग्लास बॉटल भी ले सकते हैं, और फिर आप इसको एज इट इज़ फ्रिज में 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। करना आपने सिर्फ ये है कि आपने इसमें गीला चम्मच नहीं डालना, और जब आपको चाहिए आपने निकाला, यूज़ किया और वापस आप इसको फ्रिज में रख दें एयरटाइट जार में, तो ये ख़राब नहीं होगा। आपने अगर लंबा इसको स्टोर करना है 6 महीने के लिए, तो आप इसको आराम से फ्रीज कर सकते हैं। आइस क्यूब्स की ट्रे लें, उसमें डालें, जितना उसमें पूरा आता है एक एक चम्मच से आप आराम से डाल लें, और फिर आप उसको फ्रीज कर दें। जब फ्रीज़ हो जाए, आपने ट्रेज निकाली, फ्रीज क्यूब्स को आप थैलियों में छोटी छोटी में डाल दें या जिपलॉक बैग में डाल दें, और जब आपको ज़रूरत हो आपने 2-3 क्यूब्स निकाले और मज़े से सालन में डाले, तो झटपट से आपका काम आसान हो जाएगा, सालन जल्दी से आपका रेडी हो जाएगा। बल्कि इवन आप इससे आराम से पिज़्ज़ा सॉस या लज़ानिया सॉस भी बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।